भाई हम लोग शुरू करते हैं अपने फ्यूल्स को। तो पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि फ्यूल्स क्या होता है और फ्यूल हमें क्या देता है। फ्यूल क्या होता है? वो सारा सब्सटेंस जिसको जलाने के बाद हीट और लाइट मिलता है उसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल का इस्तेमाल कहाँ होता है? कुकिंग में होता है, इंडस्ट्री में होता है, हीटिंग में होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फ्यूल्स देखे थे। फ्यूल्स आर बेसिकली अब थ्री टाइप्स, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स हो गया जैसे तुम्हारा वुड है, चारकोल है, कोल है, ये सब क्या हो गया? सॉलिड फ्यूल। दूसरा है हमारे पास लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, मोबिल है, ये सब क्या हमारे पास? लिक्विड फ्यूल हो गया। ठीक है भाई। तीसरा हमारे पास गैसियस फ्यूल्स, जो हमारा हाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है, ये सब क्या हमारा गैसियस फ्यूल्स हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट था हमारा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकालने क्या करते हैं हम लोग? उसका 1 ग्राम में देखते हैं कितना किलो जूल एनर्जी वो रिलीज करता है ना। इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए थे, 1-1 kg कोल और कॉडंग लिए थे और उसको बारी बारी से हम लोग बर्न किए थे और देखे थे कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उसे कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होता है। उसके बाद हम लोग आए थे, है ना, जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है इसको समझने के लिए। तो हीट पर किलोग्राम जो होता है या पर किलो जूल पर ग्राम जो होता है इसको हम लोग उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे पेट्रोल का। ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू जाने थे, जिसमें कॉडंग था। कॉडंग का हमारे लिस्ट में सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू है और इससे अधिक है किसका? वुड का। इससे अधिक है कोल का और इससे अधिक है कोक का और इससे अधिक है चारकोल का और इससे अधिक है बायोगैस का। बायोगैस जो गोबर को सड़ा के या ऐसा ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ा के जो बायोगैस बनता है ना, उससे अधिक है किसका? पेट्रोल का। और पेट्रोल से अधिक है केरोसिन का। मजेदार बात लगा ना। पेट्रोल कितना है? 47 किलो जूल पर ग्राम। और केरोसिन कितना है? 48। उसके बाद है एलपीजी, एलपीजी का 50 जो हमारे घर में यूज होता है। उसके बाद है मीथेन जो मेजर इन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? सीएनजी का, है ना। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। बॉस है ये, फ्यूल फ्यूल का बॉस हुआ ये। नहीं हम हैं तो फिर सब शांत हो जाओ, क्योंकि बाकी सारा फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू थी क्या है, 50 के आसपास है, 50, 55, 47, 48 इसी आसपास में टहल रहा है। ये 150 है ना सीधा, जैसे छोटा छोटा कंट्री और उसके बीच में खड़ा हो जाए अमेरिका, है ना। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, फ्यूल का डेफिनेशन क्या था, और हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि हम लोग को टू टू एग्जाम्पल देना था लिक्विड फ्यूल का, सॉलिड फ्यूल का और गैसेस फ्यूल का। और उसके बाद हम लोग को जाना था कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे कैटेस्टिक्स गुड फ्यूल का। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड देखेंगे भाई। तो कैटेस्टिक्स में पहला कैटेस्ट क्या है? इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद क्या, अभी क्या हुआ देखे, गौर की है। हाँ, हाइड्रोजन लगा है, उड़ गया ये। तो किचन में अगर हाइड्रोजन यूज करोगे तो ऐसा ही होगा, है ना, तुम रॉकेट हो जाओगे। ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन अच्छा फ्यूल है, लेकिन उसको हम लोग फ्यूल के तौर पर अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए बहुत शानदार वाला टेक्नोलॉजी, है ना, जिधर हो जाएगा बात करेंगे। दूसरा दूसरा कैटेस्ट क्या है? इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम होना चाहिए, ना बहुत अधिक ना बहुत ज्यादा, दोनों की बात हुआ। हाँ, ना अधिक ना कम। ठीक है, अगर बहुत कम रहेगा, रूम टेम्परेचर से कम रहेगा, तो फास्फोरस टाइप का होगा, खुद ब खुद जलना शुरू कर देगा। और बहुत अधिक रहेगा तो बिरबल का खिचड़ी हो जाएगा, है ना, धुआं करेगा, जलेगा नहीं। मान लो जैसे कच्चा लकड़ी है, कच्चा लकड़ी जल्दी जलता है क्या? तो कच्चा लकड़ी में खाना बनाने में मजा आता है, सूखा लकड़ी में? सूखा लकड़ी है क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम होता है। कच्चा लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भाई, इसलिए वो गुड फ्यूल में कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ एक है, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। चलो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होना चाहिए, धीरे धीरे जलना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगाया तुरंत जल जाए, लगाया तुरंत जल जाए, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे जलना चाहिए, समझ गए बात को, और कंट्रोल्ड वे में जलना चाहिए। उसके बाद सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब इतना ठीक है सब कुछ, इतना महंगा है तब तो हो गया, है ना। उसके बाद
आसान होना चाहिए किसमें, और सेफ होना चाहिए हैंडल करने में। ठीक है, पता चला घर पे खाना बनाने गए, खुद का खाना बन गया, है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। स्टोर करना आसान होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक रूम में रह रहे हैं, चार रूम में फ्यूल ही स्टोर करके रख रहे हैं। मान लो काव डंग पे खाना बनेगा, तुम्हारे यहाँ भोज है, अब खाना सारा बनना है काव डंग से, फिर क्या होगा, है ट्रक में भर के काव डंग लाना पड़ेगा, तभी संभव है। अभी क्या करते हैं, जाते हैं चार सिलेंडर उठा के लाते हैं, सब खेल हो जाता है, नहीं तो सिलेंडर टहला देते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होना चाहिए भाई, समझ गए। उसके बाद ये आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्या, कोई भी पॉल्यूटेंट्स रिलीज ना करने वाला फ्यूल होना चाहिए, है ना। आप घर में खाना बना रहे हैं, वो मान लो पॉइजनस गैस इमिट कर रहा है, साल ऐसा कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, फ्यूल जला रहे हैं तो कंप्लीट कंबसन होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कि आधा जला आधा, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को तुम ऐसा चाय पिलाए कि बेचारा आधा पी के आधा छोड़ दिया, उन्होंने घटिया चाय था, नहीं पूरा पी लिया, मतलब खाना आधा सीधा खा के छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, घटिया खाना था। ये भी हो सकता है उसको भूख नहीं हो। क्या फ्यूल कैसा होना चाहिए, जो पूरी तरह से जले, है ना, और कंट्रोलेबल भी हो। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, मन होता है क्या, अभी थोड़ा सा इसको कम कर लें फ्लेम को, क्या करते हैं, है ना, एंटी क्लॉक वाइज खाना बैठते हैं और उसका फ्लेम डाउन हो जाता है, नहीं और क्लॉक वाइज गुस्सा के बैठते हैं, बस शट डाउन हो जाता है, समझ गए। ये क्या, हमारा तो कंट्रोल है, जब मन किया तुरंत उसको बंद कर दिए, है ना। अब हम लोग आते हैं अपने आज के नए टॉपिक पे, एडवांटेजेज ऑफ गैसियस फ्यूल्स, है ना। गैसियस फ्यूल जो है, इसको यूज करने का क्या सब एडवांटेज है, व्हाई नॉट सॉलिड फ्यूल्स, व्हाई नॉट लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है भाई, समझ गए, तो बताओ क्या सब एडवांटेज है ना। जो बेस्ट फ्यूल माना जाता है वो गैसियस माना जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, गैसियस फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करना होता है बहुत ही आसान, सॉलिड फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करना होता है बहुत मुश्किल। जैसे तुम अब देखो बड़े बड़े शहर में क्या क्या पाइपलाइन बिछा दिया गया, एक जगह गैस स्टेशन है वहीं से सब जगह गैस जा रहा है, ऐसा सॉलिड फ्यूल के साथ हो सकता है क्या, ऐसा नहीं सकता, ऐसा लिक्विड फ्यूल के साथ हो सकता है क्या, हो सकता है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन, ठीक है, लेकिन गैसेस फ्यूल के साथ ये काम बहुत ही है आसान। गैसेस फ्यूल के साथ सिलेंडर में भरा, गाड़ी में लोड किया लेकिन चल दिया, है ना, ऐसा सॉलिड फ्यूल के साथ मुश्किल है। ठीक है भाई, और उसके बाद गैसेस फ्यूल जितना भी है इनका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अच्छा होता है, और इनका कंप्लीट कंबसन होता है, सॉलिड रेजिड्यू नहीं बचता है। जैसे कोयला पे, बर्तन पे, लकड़ी के चूल्हा में खाना बनाते हैं तो क्या होता है, बर्तन हो जाता है काला, क्यों हो जाता है काला, क्योंकि वो सॉलिड रेजिड्यू छोड़ता है, वो कंप्लीट कंबसन नहीं होता है। लेकिन जब गैसियस फ्यूल को जलाते हैं तो कंप्लीट कंबसन होने के कारण कोई भी सॉलिड रेजिड्यू नहीं बचता है, जिससे आपका बर्तन काला नहीं होता है। ये क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या कारण है कि एलपीजी पे बर्तन काला नहीं होता, लकड़ी चूल्हा बर्तन काला हो जाता है, ये रीजन। तो लकड़ी जब जलता है ना तो सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट ओवर होता है उसका, और वही चिपक जाता है बर्तन में जब, लेकिन गैसियस हम लोग फ्यूल जलाते हैं, कंप्लीट कंबसन होने के कारण कोई भी सॉलिड रेजिड्यू नहीं बचता है, और हमारा बर्तन खाना बनाने से पहले जैसा रहता है, खाना बनाने के बाद वैसे रहता है। ठीक है, समझ गए, और जल्दी भी बन जाता है क्योंकि हाई कैलोरी भी वैल्यू है। नेक्स्ट है, गैसेस फ्यूल्स प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस। तो ये क्या है, हार्मफुल गैस को कम रिलीज कर रहा है, कंप्लीट कंबसन हो रहा है, तो भी इस कारण से भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब आता है इग्निशन टेम्परेचर। तो इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम होता है क्या, ऐसा तुम समझ सकते हो कि लकड़ी ऐसा जमा कर रखे, एक लाइटर मारे लकड़ी में हाथ पकड़ लिया, फू 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 करते रहिए घंटा तक, तब जाकर के उसमें हाथ पकड़ता है, तब तक पता चला आदमी खाना बना के खा के चला भी गया, नहीं गैसियस फ्यूल का ये जलवा है। ठीक है भाई, दूसरा गैसियस फ्यूल को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला है हमारे पास फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोलियम और कोल है, इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है भाई, ये कब बना था, परसों, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, है ना। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलता है, हवा से, कहाँ से निकलता है, जमीन के नीचे से, हवा से निकलता है। चलिए भाई, क्वेश्चन है हमारा, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल, और है स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ गैसियस फ्यूल्स। ठीक है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, क्या ऐसा किया जा सकता है,
तो आंसर है कैपिटल एन कैपिटल ओ, है ना। व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर रेफर्ड टू एज नेचुरल सोर्सेस, भाई क्योंकि प्रकृति बनाती है इसको, नेचर में बनता है, इसलिए इसको नेचुरल रिसोर्सेस ही बोलते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग सब खा पका के खत्म कर देंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स देखेंगे, मर क्यों जाएंगे। इंसान मरने वाला जीव लगता है, इंसान के पास है बुद्धि, ढूंढेगा फिर कोई विकल्प, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नेचुरल रिसोर्सेस एंड कोल, है ना। तो हमारे पास टू टाइप्स का नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब हम लोग बात करेंगे सिर्फ अभी किसके बारे में, फ्यूल्स के बारे में। मिनरल भी नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्यूल के बारे में। तो फ्यूल जो है टू टाइप्स का हम लोग बांटते हैं इसको, एक को बोलते हैं इनऑक्जेस्टिबल और एक दूसरे बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, ठीक है भाई। एग्जॉस्टिबल मतलब जो एक समय के बाद हमारा साथ छोड़ देगा, है ना। और इन एग्जॉस्टिबल क्या हो गया, जो हम छोड़ देंगे अपना साथ लेकिन वो हमारा साथ, जैसे सनलाइट, जैसे वाटर से जो एनर्जी मिल रहा, जैसे विंड से जो एनर्जी मिल रहा। कल हम नहीं थे, कल मतलब समझ रहे हो ना, लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो, कल मतलब कल नहीं, मतलब यस्टरडे नहीं, है ना। कल हम नहीं थे फिर भी पानी बह रहा था, नहीं कल हम नहीं थे फिर भी सन अपना काम कर रहा था, नहीं आज हम हैं फिर भी कर रहा है। कल मैं हो सकता है नहीं रहूं, है ना, क्योंकि मैं अमृत पीकर नहीं आया हूं, तो भी सन अपना काम करता रहेगा, हवा बहती रहेगी, पानी चलता रहेगा, ठीक है भाई। कहानी हुई समाप्त, आगे बढ़ते हैं। दीज आर रिसोर्सेस ऑफ, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है अभी, हैं हम। दीज आर रिसोर्सेस, दीज आर रिसोर्सेस ऑफ विच देयर इज अ लिमिटलेस सप्लाई, सच एज सनलाइट। तुम इसका यूज करो ना करो, अनवरत, है ना, लगातार वर्षों वर्षों से और आगे के आने वाले वर्षों में भी चलता रहेगा, ठीक है भाई। सेकंड वन इज एयर, ये सब क्या, इन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ फ्यूल्स है हमारे पास, है ना भाई। फॉरेस्ट, एक बार देखो, अब तुमको लगता होगा सर फॉरेस्ट को तो काट लेंगे तो फिर तो खत्म होते जा रहा है, होते जा रहा है, लेकिन हम लोग फॉरेस्टेशन कर सकते हैं ना, है ना। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन लोग रिफॉरेस्टेशन भी तो कर सकते हैं। ऐसा अगर आदमी चाह ले तो 10 20 30 साल 40 साल में पूरी धरती पर ऐसा जंगल लगा सकता है, लगा सकता है बोल रहा हूँ, कभी लगाएगा नहीं, वो तो उसका काम है उजाड़ने का, उजाड़ेगा, है ना। लेकिन हम लोगों को क्या होना चाहिए, होना चाहिए समझदार, और हम लोग क्या करना चाहिए, हाँ यस। अगला क्या, वाइल्ड लाइफ, है ना, ये भी है ना, हालांकि ये फ्यूल नहीं है, हम लोग रिसोर्स में अगर बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ भी रिसोर्स है, लेकिन ये हम लोग एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, ये खत्म होते जा रहा है, और एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत सारा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया, बहुत सारा स्पीसीज इंडेंजर्ड है ना। इंडेंजर्ड मतलब, हाँ, एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है ना। इसको ऐसे समझना कि गांव का वो बूढ़ा आदमी जो मर गया वो एक्सटिंक्ट है, और जो जाने वाला है अभी अब तब कर रहा है वो सब इंडेंजर्ड है, समझ गए। तो ऐसा सारा जानवर जो कभी था, जैसे डायनासोरस, है ना, जिसका सिर्फ आप फोटो देख सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं, वो सारा एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ना। और वो सारा स्पीसीज जिसका संख्या बहुत कम बचा है और अब जाने वाला है, उसको हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है भाई। तो अभी टाइगर एलिफेंट सब इंडेंजर्ड स्पीसीज में ही आता है, क्योंकि इनका संख्या दिनों दिन बहुत घटता जा रहा है। इंडिया में भी तुमको पता ही है, चीता खत्म हो गया था, इधर बाहर से मंगाया गया था, ठीक है भाई। अगला है कोल। कोल क्या है, एग्जॉस्टिबल है, ऐसा यूज करते 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 एक दिन लोग क्या करेंगे, सारा कोल को खा जाएंगे, मतलब कंज्यूम कर लेंगे। तो कोल उसके बाद हम लोग फिर बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग कोल को थोड़ा सा जानेंगे डिटेल्स में। कोल को जब हम लोग जानेंगे डिटेल्स में तो हम लोग को पता चलेगा कोल जो है वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, कार्बन रिच होता है, विद सम इम्प्योरिटीज, है ना। अब धरती में मिल रहा है तो कुछ इम्प्योरिटी होगा ही, है ना, कुछ मिट्टी लगे, कुछ बालू लगे, कुछ रेत होगा, कुछ सिलिका होगा, ऐसा हो सकता है।
तो ऐसा कुछ इम्प्योरिटीज भी हो जाता है, और उसमें मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्बन होता है। तो इम्प्योरिटीज के साथ कार्बन को यानी कोल को हम लोग थ्री ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला क्या होता है, पीट, पहला क्या होता है पीट, दूसरा लिग्नाइट और तीसरा बिटुमिनस। तीन टाइप्स हो गया, कौन कौन, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और चौथा एंथ्रेसाइट, है ना। तो कौन कौन हो गया, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, है ना। अब जानेंगे हम लोग पीट के बारे में। देखो ये इसमें कार्बन कितना होता है, ओनली 11%, कितना होता है, ओनली 11%, ओनली 11% कितना होता है। हाँ ये एक्चुअल में ओनली है, ये वो बैंक वाला नहीं है 5 करोड़ ओनली, ये एक्चुअली में ओनली है ना, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज है कार्बन का, नहीं समझ बात आई। दूसरा क्या है, लिग्नाइट, पीट का कितना हो गया 11%, है ना, लिग्नाइट का कितना हो गया 22%। अब समझ में आ गया क्या, समझ में आया कुछ, ये कितना हो गया 22% और ये है कितना 11%। अब समझ में आ रहा है। अब मान लो कि तुम्हें एक कोल है वो 10 रुपये पर केजी दे रहा है, और एक कोल है मान लो वो 20 रुपये पर केजी दे रहा है, समझना जरा सा। और चलो एक क्वेश्चन है, समझाओ इसको मुझे। मान लो कि एक कोल है वो ₹10 पर केजी है, और एक कोल है वो ₹20 पर केजी, ठीक है भाई। ये जो है ये पीट है, और ये जो है ये लिग्नाइट है। एक आम आदमी कोल देख के समझेगा कि पीट है कि लिग्नाइट है, नहीं पता चलेगा। तुम तो देखोगे अरे ये सस्ता मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में कौन सस्ता पड़ रहा है, यहाँ पर लिग्नाइट पड़ रहा है सस्ता। क्यों, इसका ठीक है 20 रुपये पर केजी पड़ रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो कम ही लगेगा ना। क्यों ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा, क्योंकि इसको हम मान लो कि 20 10 टन, इसको 10 टन ले जा रहे हैं और इसका 5 टन ले जा रहे हैं, काम बराबर ही हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। अब इसका देखो 5 टन का किराया आधा लगेगा 10 टन की तुलना में, तो कौन सा परचेज करना सुविधाजनक हुआ, डबल प्राइस में लेने के बावजूद ये हमको सस्ता ही पड़ेगा। तो समझ में आ गया फ्यूल के कैलोरी वैल्यू कितना इंपोर्टेंस रखता है ना। तो सबसे घटिया क्वालिटी का कोल कौन है, पीट, उसके बाद लिग्नाइट। कार्बन का परसेंटेज देखते जाना, पीट में कितना है, हाँ लिग्नाइट में 22%, जस्ट डबल है। अब देखो बिटुमिनस कोल है, बिटुमिनस कोल जो है इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, 60%, ठीक है भाई। बिटुमिनस कोल है इसमें 60%, इसमें 11%, देखते जाओ समझ में आ जाएगा तुरंत। है सब कोल ही, लेकिन इम्प्योरिटीज की वजह से हो जाता था क्वालिटी क्या, बहुत ही थर्ड क्लास, है ना। अब देख के लग रहा है क्या सबसे शानदार कोल अभी तक में क्या हुआ, बिटुमिनस हुआ, है ना। अगला है एंथ्रेसाइड, अब आते हैं हम लोग एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड में क्या है, 80%, सबसे कम 11%, किसमें, पीट में। नाम से देख के लगता है घटिया होगा, नहीं। उसके बाद लिग्नाइट में कितना, उसके बाद बिटुमिनस में कितना, हाँ उसके बाद एंथ्रेसाइड में कितना, 80%। अब तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं कौन सा कोल बढ़िया होगा, है ना। यानी अगर हमको कहीं पर पीट मिल रहा है और कहीं एंथ्रासाइट मिल रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, है ना, और कौन हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है ना। देखो भाई अब ये तुमको दूसरा समझ में आ रहा होगा, इसमें इम्प्योरिटीज बहुत अधिक होने के कारण इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत लो होगा इन कंपेरिजन टू एंथ्रासाइट, है ना। अब मान लो किसी को आयरन मेल्ट करना है, मान लो कि आयरन फर्नेस में हमको कोल चाहिए, क्या वहां तुमको लगता है कि इस कोल से कुछ होने वाला है, हाँ? और इस कोल का जरूरत वहां पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, समझ बताई। लेकिन छोटा मोटा काम है, अब चाय दुकान वाले को काम है तो उसको केटली को गर्म करना है, केटली को पिघलाना तो नहीं है, तो वो इसका भी इस्तेमाल कर सकता है, समझ गए बात को। लेकिन अगर टाटा जी को बोले कि टाटा जी आप जो है इसको छोड़ दीजिए और इसी को लीजिए, तो क्या करेगा वो, लेगा क्यों, उसको लोहा पिघलाना है, चाय नहीं बनाना है फर्नेस से बैठ के, समझ के बात को। अगला है ट्रीज एंड अदर प्लांट दैट ग्रू इन स्वैम्पी एरियाज 300 to 400 million ईयर्स अगो डाइड। स्वैम्पी एरिया में क्या होता है, स्वैम्पी एरिया किसको बोलते हैं, स्वैम्पी एरिया बोलते हैं दलदली क्षेत्र को, है ना, कीचड़ वाला क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, ठीक है भाई। तो मात्र 300 से 400 मिलियन ईयर्स अगो, है ना,
ओनली। तो जब ये सब डायट था, जमीन अंदर चला गया तो क्या हो गया, जमीन अंदर चला गया तो क्या हो गया, जमीन अंदर पड़ा प्रेशर और धीरे धीरे क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फॉसिल फ्यूल में। ठीक है भाई, तो ये दबते चले गए किसमें, सेडिमेंट्स लाइक मड एंड सैंड, ऐसा चलता चला गया। और उसमें ऑक्सीजन कितना था, लो था, ऑक्सीजन था ही नहीं ना के बराबर, तो नीचे कहाँ से ऑक्सीजन आया, और प्रेशर बढ़ता गया, इसीलिए क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, डार्क ब्राउन में। ये देखना डार्क ब्राउन में, ये ब्लैक नहीं है, इसी को कहते हैं पीट। तो पीट का कलर कैसा हो गया, डार्क ब्राउन होता है, ये ध्यान देना है ना। तो अब पीट और नॉर्मल कोल में अंतर समझ जाओगे ना, अगर डार्क ब्राउन है तो समझ जाना पीट है, तो उसमें समझ जाना कार्बन कम है इसीलिए काला कम है, समझ गए बात को। तो पीट का कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, ग्रेजुअली मोर एंड मोर सेडिमेंट्स गॉट डिपॉजिटेड ओवर पीट, पीट वॉज कंप्रेस्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्म लिग्नाइट, है ना। धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, तो हाई ग्रेड का कोल मिल रहा है। अब क्या हो गया, लिग्नाइट, लिग्नाइट का कार्बन परसेंटेज कितना था, हाँ पीट का कितना था, हाँ इसको याद रखना। अगला है हमारे पास, फर्दर कंप्रेशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल, और ज्यादा कंप्रेशन हुआ, और ज्यादा नीचे गया, और ज्यादा प्रेशर बढ़ा, बिटुमिनस का परसेंटेज कितना है, 60%। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, और कंप्रेशन हुआ, और ज्यादा टाइम लगा, तो फिर क्या बनता है, एंथ्रासाइट, है ना। और एंथ्रासाइट का परसेंटेज कितना है, बहुत अच्छे, समझ में आ गया सब कुछ, क्या हुआ 8% है, अब बाद में जो जीरो दिए, समझ में आ गया भाई। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सेकेंड डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड नेम द बेस्ट क्वालिटी कोल एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट, ऐसा लिख लो, एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट, है ना। चलिए बनाइए इसको, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, तो लिखो इसको भी, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, जल्दी लिखिए। चलिए भाई, अगला हमारा कोक क्या है, कोक के बारे में थोड़ा जानेंगे कैसे बनता है ना। फिर कोल गैस क्या है, और फिर कोल तार क्या है, और फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो पहला है कोल, कोल को क्या करते हैं हम लोग, फर्दर प्रोसेस करने के लिए, ताकि ये यूजफुल मेटल बन जाए, हम लोग क्या करते हैं, कोक बनाते हैं, है ना, कोल गैस बनाते हैं और कोल तार निकलता है इससे, है ना। अब कोक क्या है, इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, आता कहाँ से, है ना। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, क्या करते हैं इसको हम लोग, तैयार करना पड़ता है इसको, कैसे तैयार किया जाता है, लिखा है कोक इज यूज इन द, चलो ये तो यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, क्यों, अगर बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज कोल को यूज करेंगे तो वो काम ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसीलिए कोक जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, और यूज कहाँ होता है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, और यूज कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है भाई, अगला है कोल गैस, अच्छा कोल गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है, हाँ ये स्ट्रीट लाइटिंग के तौर पर यूज होता है, और पहले यूज होता था, अभी ये यूज नहीं होता है, है ना, कब यूज होता था, हाँ, ऐसा नहीं कि अब तुम कोल गैस को आज के डेट में यूज करने लगे, है ना, ये 18th century की कहानी है। ठीक है भाई, अगला है कोल तार, है ना, कोल तार के बारे में तो सबको पता ही होगा, हाँ देखे होंगे, सरक बनाने में इस्तेमाल होता है और बहुत सुगंधित होता है, बहुत घटिया स्मेल होता है भाई, है ना, समझ गए ना। तो प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस सच एज, कोल तार का यूज बहुत सारा ड्रग्स बनाने में होता है, ड्रग्स मतलब, हाँ ठीक है, अब ये मत कि कोल तार पीने लगना समझना कि ड्रग मेडिसिन ही, और मेडिसिनल वैल्यू है भाई उसका। ठीक है, सिंथेटिक डाई बनाने में यूज होता है, डाई बना, हाँ ठीक है भाई। अगला नेप्थेलिन बॉल्स बनाने में, और इसका सेंट मोटा मोटी ठीक रहता है,
ऐसा गोल गोल करके व्हाइट कलर का बॉल आता है ना, कपड़ा में डालते हैं हम लोग, नहीं डालते हैं भाई, नेफ्थलीन बॉल्स, वो भी इसी से बनता है, कोलतार से ही बनता है ना। हाँ, अब तुम ये मत सोचना कि सर ये तो ब्लैक था, व्हाइट कैसे हो गया, है ना। तो कुछ ऐसा प्रोसेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोलतार को ऐसा जमा दिए तो व्हाइट हो जाता है और उसको फिर कपड़ा में डाल दिए, है ना। पता चला ऐसा कर दिए कांड तुम, बस हो गया, है ना। अगला क्या है भाई, एक्सप्लोजिव बनाने में, एक्सप्लोजिव समझते हो ना, अरे एक्सप्लोजिव समझते हैं ना। हाँ, ये बड़ा वाला पटाखा है ना, जो बड़ा बड़ा चीज उड़ाने के काम आता है, समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, और उसके बाद पैंट्स बनाने में, है ना। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनता है, ठीक है। हाँ, ये क्या है, बहुत सारा मैरीन ऑर्गेनिजम्स है जो मर जाता है और कहाँ चला जाता है, समंदर नीचे, ऐसा ऐसा सेटल डाउन होते रहता है। अभी हम लोग जमीन पे जब कोई जीव मरता है तो क्या होता है, हम लोग के जमीन पे जब कोई जीव मरता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको बैक्टीरिया या वगैरह वगैरह क्या करता है, उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करता है, नहीं करता है, और धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन समंदर के अंदर में भी तो बहुत सारा जीव है और वो भी मरता रहता है और क्या होता है, उसका डिपोजिट जमा होते रहता है कहाँ, है ना। उसको भी बहुत सारा बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, और समंदर में क्या है, वाटर में एक्सेस क्या है ना, क्या है, तो इससे भी बहुत ज्यादा वो प्रिजर्व रहता है। साल्ट का काम क्या होता है, प्रिजर्व करना, साल्ट में कोई चीज जल्दी खराब नहीं होता। तुम घर में देखते हो कि मम्मी क्या करते हैं, अचार बना के क्या करती है, साल्ट डालती है ना। नींबू बनाते हैं या मिर्च का बनाते हैं तो क्या करते हैं, साल्ट डालते हैं, क्यों, साल्ट जो है ना प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल होता है। समंदर के अंदर जो ऐसा जीव वगैरह रहता है ये बहुत ज्यादा प्रिजर्व रहता है, किसकी वजह से, हाँ ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या होता है ना, लेयर बाय लेयर नीचे जाता है और फिर एनॉर्मस हीट और प्रेशर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किसमें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, समझ गए, बात समझ गए भाई। तो राइजिंग थ्रू पोरस रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रीच द लेयर ऑफ इम्परमिएबल रॉक वर ट्रेड बिलो, और धीरे धीरे क्या होता है, वहां जाके वो लॉक हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें ड्रिल करके उसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं, है ना, कीचड़ जैसा, मड जैसा निकलता है बाहर। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और उसे सारा चीज, पेट्रोल किरोसिन सब निकाल लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो चलिए भाई आगे देखते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम में रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को करते हैं क्या रिफाइन, पेट्रोलियम जो निकलता है वो कैसा निकलता है भाई, ऐसा निकलता है कैसा, हाँ मड के जैसा निकलता है, ऐसा नहीं कि निकाले पेट्रोलियम, और ऐसा मत समझना कि गल्फ में बहुत सारा पेट्रोलियम है तो आदमी जाता होगा ऐसा हैंडपंप चलाता होगा, निकालता होगा, गाड़ी भरता होगा, चल देता होगा, ऐसा नहीं है, है ना। वो निकलता कैसा, मड जैसा, समझ गए। और उसके उसको क्या करते हैं हम लोग, रिफाइनिंग करते हैं, कैसे रिफाइनिंग करते हैं भाई, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, समझ गए। ये क्या हो रहा है, रिफाइनिंग नहीं हो रहा है भाई, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, निकाल रहा है ना, क्या हो रहा है, निकाला जा रहा है पेट्रोलियम, ठीक है। अभी पहले निकलेगा तब ना रिफाइनिंग होगा, समझ गए। पहला काम होता है उस कीचड़ को बाहर करना, है ना। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग थ्रू द इम्परमिएबल रॉक्स, ऐसा बहुत सारे रॉक्स है जिसमें छेद नहीं होता, उसमें क्या करते हैं, ड्रिल से हम लोग होल कर देते हैं और उसे उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। ये देखो कितना सुंदर लगता है देखने में, BLAC के कलर का, है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल, है ना, क्रूड ऑयल नहीं ये क्रूड ऑयल है, ठीक है भाई। और ये क्या होता है, क्रूड ऑयल जो होता है ये मिक्सचर होता है क्या जी का, सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन समझते हैं ना, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, किसको बोलते हैं, कंपाउंड्स ऑफ, है ना, हाइड्रोजन एंड कार्बन, है ना भाई। तो इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, डीजल है, पेट्रोल है, ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है भाई। इट इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इट इज एक्चुअली कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड, हाँ जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं भाई,
इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, समझ गए, इसी से सारा चीज निकलता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है, जैसे हमारे आसपास में एक रिफाइनरी का कोई नाम है तो बताओ कहाँ है, बेगूसराय में है ना, बरौनी रिफाइनरी है ना, असम से आता है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल और यहाँ रिफाइनिंग का काम होता है। ये देखो ये फोटो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, इसी प्रोसेस से रिफाइनिंग होता है ना, समझ गए, ध्यान देना है। एक फ्रैक्शनल कॉलम होता है, उसमें पेट्रोलियम को डाला जाता है और उसके बाद वो क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है, हीट किया जाता है, उसके फिर उसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, और जिसका जितना कूलिंग टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को उसको क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है ना। इस लेयर पे आके केरोसिन निकल जाएगा, इस लेयर पे आके क्या होता है फिर पेट्रोल निकल जाएगा, इस लेयर पे आके है ना, जिसपे जो मतलब है। इट इज टॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर फिटेड विद हॉरिजॉन्टल ट्रेज, ऐसा हॉरिजॉन्टल ट्रे लगाता है और इसको हीट किया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किसको, क्रूड ऑयल को, किसको, क्रूड ऑयल को, है ना, हीट किया जाता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाँ। और जैसे ही इसका वेपर जो पेट्रोलियम का है वो क्या करता है, ऊपर बढ़ता है, उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं हम लोग, जो जिस टेम्परेचर पे, मतलब जो केरोसिन उसका अलग टेम्परेचर है, डीजल है उसका अलग है, पेट्रोल है उसका अलग है, नेफ्था है उसका अलग है ना, जिसका जो टेम्परेचर पे है उस टेम्परेचर पे वो उसका लेयर लगाता है और वहां से उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। दे कूल एंड कंडेंस एट डिफरेंट हाइट्स, जिस हाइट पे जो कूल होता है वहां से उसको निकाल लिए, जैसे पेट्रोलियम गैस सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर से निकाल लिया उसको बिलो 40 डिग्री, और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ, उसको इस छोटे से घर में बंद कर देते हैं और अपने छोटे से घर में ले आते हैं, है ना। उसके बाद 40 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पे क्या निकलता है, पेट्रोल, ये क्या करता है, पीने के काम आता है, गाड़ी में पिलाने के काम आता है, नहीं गाड़ी चलाने के काम आता है, हाँ। यूज एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, इन ड्राई क्लीनिंग एटसेट्रा एंड वेरियस केमिकल्स, क्यों, गाड़ी का टैंक आगे नहीं हो सकता है क्या, गाड़ी का टैंक आगे भी हो सकता है, हो सकता है इसका इंजन पीछे होगा, है ना, या इंजन भी आगे होगा, यहीं पे टैंक में डाल दिया होगा, क्यों नहीं हो सकता है, है ना। नेक्स्ट वन इज 172 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें क्या निकलता है, केरोसिन, है ना, हाँ। बहुत पुराने जमाने की बात है, ऐसे जब हम लोग अगर स्टोरी सुनाएंगे तो इस तरह का लालटेन जलाएंगे तो थोड़ा माहौल बनेगा चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है डीजल, है ना, डीजल कहाँ निकलता है भाई, कहाँ लगता है, हाँ, अगला है हमारा 350 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पर निकलता है क्या, फ्यूल ऑयल, है ना। तो अगला है हमारा भाई फ्यूल ऑयल, और उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्यूल ऑयल फॉर पावर स्टेशन एंड शिप्स, है ना, उसके बाद लास्ट में है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग समझ रहे हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या काम होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या काम होता है, जैसे मोबिल हो गया, नहीं, हाँ नहीं, ये अलग चीज है, वो अलग चीज, याद निकलता है मोबिल, है ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐसा सारा मशीन पार्ट्स जहां पर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वहां हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं, ठीक है भाई, है ना, लुब्रिकेशन के लिए। है ना, हाँ, वैसलीन, वैसलीन क्या है, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है भाई, लिखा रहा था वैसलीन पेट्रोलियम जेली, और बहुत सारा वैक्स भी निकलता है इसी जगह पे, वैसलीन का, वैक्स का, ये सब का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली लुब्रिकेशन में तो यूज करते हैं, नहीं, हमारा हाथ पैर रफ हो जाता है तो हम लोग उसको लुब्रिकेट करते हैं, नहीं, और बहुत सारा ऑइंटमेंट भी बनता है, क्रीम वगैरह, मेकिंग रोड्स, है ना, तो रोड्स पे भी पिचिंग का काम यही करता है। मतलब चलिए कुछ क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, नेम वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड फाइव यूजेस, वेयर इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैरिड आउट, है ना, कहाँ पे पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे,
अगला हमारा नेचुरल गैस, लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एयर पोल्यूटेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, है ना। तो पहला है नेचुरल गैस, ये जो दिख रहा है ना सुंदर जैसा फोटो, ये किसका है? मीथेन का है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4 और C में चार एटम हाइड्रोजन का ऐड रहता है, ठीक है भाई, ठीक है। और ये नेचुरल गैस का मेजर कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। और इसका मेन मेन यूज क्या है? पहला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, दूसरा CNG जो है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका पूरा ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों है? CH4 जब जलता है ना तो ये क्या बनाता है, ठीक है भाई, CO2 और H2O रिलीज करता है, जो कि हार्मफुल गैस नहीं, ठीक है। और डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अमोनिया और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका? नेचुरल गैस का। किसका? नेचुरल गैस का। चलिए भाई, और इसका यूज कहाँ हो रहा है? स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज हो रहा है, कहाँ? ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में, और प्लास्टिक और दूसरा प्रोडक्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे क्या क्या लिमिटेशन है किसका, फॉसिल फ्यूल्स का। सबसे पहला लिमिटेशन तो है कि लिमिटेशन है कि लिमिटेड है ना। दूसरा, इसको दोबारा बनने में कितना दिन लगता है? हाँ, तब तक तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोग नहीं रहेंगे, है ना। इफ यू रन आउट ऑफ एग्जिस्टिंग, देखो भाई, जितना भी फॉसिल फ्यूल है एक बार उसको अगर कंज्यूम कर लेंगे तो क्या तुम्हें लगता है दोबारा बन पाएगा क्या? बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी, ये तो गारंटी है ना। और इससे होता है एयर पोल्यूशन, दूसरा बहुत सारा अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी पोल्यूटेंट्स के तौर पर निकलता है, जो हमारे एटमोसफेयर में लगातार मिलते जा रहा है, और ये हमारे एटमोसफेयर को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, और बायो लाइफ को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, ठीक है भाई। वैसे बहुत सारा पार्टिकल्स भी इस कारण से जा रहा है। ये आदमी देख कर तुम्हें लग रहा होगा कि लगता है कहीं मार्स से आया हुआ आदमी तो नहीं है, लेकिन ये धरती का ही आदमी है, बहुत अधिक पॉल्यूशन वाले एरिया में है, इसीलिए उसको अपनी शक्ल बदलनी पड़ी है, समझ गए बात को, है ना। तो मेन जो पॉल्यूटेंट्स है जो फॉसिल फ्यूल रिलीज करता है वो है कार्बन मोनोक्साइड, दैट इज डेडली पॉइजनस गैस, समझ गए। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सोलरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। नेक्स्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड, अगेन इट इज पॉइजनस फॉर आवर हेल्थ एंड इट प्रमोट्स एसिड रेन, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और हम लोग एग्जाम्पल दिए थे ना, सल्फर के साथ क्या होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये मिल जाता है वेपर के साथ, है ना, और क्या बना लेता है, सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है ना, और ये एसिड रेन कराता है, ठीक है। उसके बाद सूट पार्टिकल्स, उसके बाद बारी बारी से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इन लोगों का कार्यक्रम। मोनोक्साइड जो है कलरलेस ऑर्डरलेस है, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि इसमें कोई गंध है जो तुम पहचान लोगे कि मोनोक्साइड है। मोनोक्साइड से मरना सबसे आसान होता है, ना गंध पता चलता है ना इसमें कलर होता है, और इसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता, ठीक है। ऐसा सारा फॉसिल फ्यूल जिसका इनकम्प्लीट कम्बसन होता है उससे मोनोक्साइड रिलीज होता है, और ये हाईली पॉइजनस ऑर्डरलेस टेस्टलेस और कलरलेस गैस है ना, चुपके से मर जाता है आदमी, ठीक है भाई। इसको जैसे ही आदमी लेता है उसको ये सारा सिम्टम्स आता है, ठीक है, उसको हेडेक होता है, नोजिया होता है, डिजीनेस होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, उसके बाद उसका बेहोशी आती है, और फिर उसका विकेट हमेशा के लिए गिर जाता है, समझ के बात को। इसीलिए कहा था विंटर में कभी भी ऐसे कमरे में आग जलाकर नहीं रखना चाहिए जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, क्यों? ऐसे कमरे में अगर आप आग जलाकर रखते हैं तो आग क्या करता है, पहले तुम्हारे रूम के सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि आपको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और फिर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म शुरू होता है होना, और तुम धीरे धीरे उसको इनहेल करना करते हो शुरू, और तुम्हारा क्या करता है वो मोनोऑक्साइड सारा हेमोग्लोबिन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, और तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, ठीक है भाई, समझ गए।
पूरी दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है इसको बढ़ाने में अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल है वो है इनका, है ना। ये एक ऐसा गैस है जिसका एटमॉस्फेयर में बहुत एक्यूरेट बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ना अधिक ना कम। कम हो जाएगा तो धरती पे ठंड बहुत होने लगेगी, और अधिक हो जाएगा तो जो हो रहा है वो और अधिक होने लगेगा, मतलब गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, है ना, समझ गए। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, जिधर जिधर ग्लेशियर्स है या अंटार्कटिका क्षेत्र है उसका आइस क्या होने लगेगा, हाँ पिघलना शुरू कर देगा। और उससे क्या होता है, उससे होगा, तुम कहोगे सर पिघल जाएगा तो अच्छा ही तो है, हमारे पास रहने के लिए जगह बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई साहब, लेकिन क्या है ना, उतना सारा बर्फ जो पिघलेगा उसका पानी कहाँ जाएगा, समंदर में जाएगा, और इससे समंदर का वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। वाटर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो कोस्टल एरिया है वो क्या होगा, मान लो समंदर पहले यहाँ तक था, अब कहाँ जाएगा समंदर, यहाँ तक जाएगा, तो इधर जो लोग रह रहे थे कहाँ जाएंगे, पानी के नीचे जाएंगे, मतलब कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा उनको, समझ के बात को। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग डिस्कस किए ही, ये क्या होता है, ये वाटर वेपर के साथ मिल जाता है और बहुत सारा ऐसा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर रेन के साथ कहाँ आता है, हाँ ऐसा प्लांट्स एक्वेटिक लाइफ सबको ये डैमेज करना शुरू करता है, सॉइल को, बिल्डिंग को। बीच में तुम सुने होगा कि ताजमहल को भी काफी ज्यादा परेशानी थी एसिड रेन से, है ना। अगला है सूट पार्टिकल्स। ऐसा जब बहुत महीन महीन फाइन डस्ट के साथ जब लोग ऐसा जैसे कोल माइन है कहीं वहां निकल रहा है, कहीं ऐसे कुछ हो रहा है, तो ये फाइन डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, मिक्स हो जाता है किसके साथ, एटमोस्फेयर में एयर के साथ, ठीक है। और उसके जब लोग उसको खींचते हैं सांस तो हमारे साथ आ जाता है किधर, अंदर, है ना। और वो फिर हमारे स्वास्थ्य को करता है बहुत लाभ, नहीं हाँ बैंड बजा देता है भाई हमारे लंग्स का, ठीक है। और फिर हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू करता है, जैसे बहुत सारे लोगों को तुम सुने होगे अस्थमा का अटैक आता है, ऐसे लोगों को अगर अस्थमा वाले लोगों को ऐसे जगह पर रख दिया जाए तो इसका मतलब है तुम उनके जाने की तैयारी कर दिए हो, है ना। और भी बहुत सारे अगर रेस्पिरेटरी डिजीज को ये कॉज करता है, ठीक है भाई, ऐसा ऐसा लोग ऐसा ऐसा करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज जो तुम देखते हो, ये सब किससे होता है, उसी से होता है। अब है नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग जाने कि फॉसिल फ्यूल जो है वो एग्जॉस्टिबल है, एक दिन क्या होगा हमारा साथ छोड़ देगा, तो हम लोग चाहते हैं हमारा साथ लंबे समय तक निभाए, इसके लिए उसका जरूरी है क्या, कंजर्वेशन, है ना। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी से, समझदारी से, विवेक पूर्ण उपयोग, है ना। वॉक मोर क्या कह रहा है, अब तुम सोचोगे भाई कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल का सर ज्यादा चलने से क्या संबंध है, नहीं ज्यादा चलने से तुमको लग रहा है ज्यादा चलने से कंजर्वेशन का क्या संबंध है, हाँ वॉक मोर का मतलब थोड़ी दूर जाना है तो हम लोग तुरंत बाइक स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा दूर जाना है कार स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा दूर जाना है और एरोप्लेन स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा हो गया क्या, हाँ। तो कोशिश करना है कि हम लोग ज्यादातर अपने पैरों पर भरोसा करें, है ना, तो अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए। हमारा सामर्थ्य क्या है, तुम्हारा पैर, है ना, तुम्हारा कार नहीं। तो ज्यादा ज्यादा अगर हम लोग अपने पैरों का इस्तेमाल करेंगे, जब टेक्नोलॉजी शुरू में आया होगा, सोचो जरा सा, लोगों को लगता होगा कि गाड़ी इस्तेमाल करना मतलब थोड़ा सा क्रेज टाइप का होगा, लेकिन अभी दुनिया गोल है, फिर से लोग वहीं जा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं लोग, पैदल चलिए, दो फायदा है इसका, तुम्हारा पहला हेल्थ बेनिफिट्स, दूसरा है ना कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल भी हो रहा है, दो तो फायदा भाई। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए या नहीं पब्लिक व्हीकल्स का यूज करना चाहिए, पब्लिक व्हीकल्स में फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। जैसे अब मान लो एक आदमी कार से पूर्णिया जाता है, एक आदमी जा रहा है तो फ्यूल ज्यादा चल रहा है ना, लेकिन बस में बैठ के जाएगा तो तुम नहीं भी बैठोगे तब भी बस में उतना फ्यूल तो चल ही रहा है, तो इस तरह से तुम क्या किए, फ्यूल सेव कर लिए, है ना। लेकिन कुछ बातें होती हैं करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए और कुछ बातें होती है कहने के लिए, ठीक है। तो समय के हिसाब से जहाँ संभव है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस को तो ऐसा किया जा सकता है, अब यहाँ से दिल्ली जाना है तो कोशिश करना चाहिए कि कार से ना जाएं, ट्रेन से जाएं, है ना, या प्लेन से जाएं, ऐसा जो भी है कन्वीनियंट जो भी तुम्हारा है, लेकिन पब्लिक व्हीकल यूज करना चाहिए, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जितना संभव हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए। बी एनर्जी कॉन्शियस विद योर पावर इन द होम। घर में जरूरत नहीं है फैन चलाकर छोड़ दिए, ये बुद्धिमानी नहीं है। घर में नहीं है लाइट जला के छोड़ दिए, ये बुद्धिमानी नहीं
नहीं है, अगर घर में उपयोग नहीं है तो जितना भी पावर सोर्स है उसको क्या करना है, शट डाउन कर देना है, समझ गए बात को? ठीक है। दूसरा, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में हमेशा काम करते रहना चाहिए, जैसा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ऐसे बहुत सारे एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हम लोगों को इसको हार्नेस करने के बारे में सोचते रहना पड़ेगा, इस पर काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जो दुख दे रहा है लिख लो इसको और अपना भी दुख बढ़ाओ। चलिए भाई, तो आज के क्लास में हम लोग इतना सीखे, इसके बारे में अभी हम लोग और सीखेंगे, लेकिन अब सीखेंगे कब,